क्लास स्टार्ट करें अगर आप लोग फिलहाल प्लीज इज द लास्ट क्लास क्लास का भी इजलास ज्यादा लग रहा है सर यहाँ पे आके हम अपने आप को कुछ महसूस करना शुरू कर रहे हैं इनको आप भी कोई चीज है मतलब अच्छी जगह पे गए हैं ना कभी सर बेकार जगहों पे गए नहीं ऐसे बेकार जगह नहीं ये नहीं मतलब इस शेप में होती है अक्सर जहाँ फैसले सही तो होते नहीं है जीने और बाकी में होता है आप भी टची टची चौक टॉपिक जो ना वो छेड़ रहे बल्कि हमने लास्ट क्लास में लास्ट क्लास वाला ही खोला था प्रोजेक्ट ना सारा वो टॉपिक चला था ना एडी डॉट नेट और एडी डॉट नेट मैंने आपको आज लाइक इंसर्ट डिलीट अपडेट सेलेक्ट सर्च सॉर्ट पेजिंग शेयरिंग ये सब कर रहा हूँ अच्छा थोड़ा सा ना आज क्योंकि हम थ्योरेटिकल बातें ज़्यादा कर चुके हैं सारी पिछली क्लास में ना तो आज हम सारा प्रैक्टिकल वर्क करेंगे क्या हो गया उजैर यहाँ पे क्लास में हाँ आपने फोन किया था अच्छा तो क्यों फोन कर रहे हैं वापस जा रहे थे अरे यार फिर तो बिल्कुल भी नहीं करते तो क्यों जा रहे हैं वापस लैब बंद पड़ी हुई थी क्या कह रहे हो अच्छा क्लास हाँ तो बंदा आगे पीछे पूछता है अच्छा कॉपी ऐसे कर देता हूँ मैंने कौन सी वेब एप्लीकेशन 5 खोली थी ना लास्ट टाइम अभी तो 6 खोली थी लास्ट टाइम कौन सी खोली थी अच्छा जी मैंने लास्ट आपने कहा था कड़ी का नाम कुछ किया था मैंने बटर शिकन बना बना लिए थे ना एक्सेस में थोड़ा बहुत काम स्टार्ट कर दिया ये कहना था इंसर्ट डिलीट और अपडेट किया था सर और ये सारे मूव टेबल पर रखे बैठ गए तो पीछे में भाई लोग नजर नहीं आ रहे तो थोड़ा सा अगर या तो स्प्रेड हो जाओ थोड़े से आखिर के दो चार लोग इस साइड आ जाओ ताकि नजर आते रहे लोग इसको छोड़ दो क्या नाम है अस्करी को बाकी दो दो चार लोग ना आकर के नजर आ जाओ इस साइड पे भी आ जाओ गर्मी है ना सर विटामिन की कमी आ जाए आप दोनों उधर आ जाए अस्करी अगर आ सकते तो करीब आ जाए अस्करी अस्करी भाई थोड़ा इसलिए काम आ जाओ यहाँ अगर ठंडी ठंडी हवा भी आएगी आप अच्छा जी तो हमने बेसिकली क्या किया था हमने इंसर्ट डिलीट अपडेट
है ना, ऐसे कुछ किया था। यहाँ कोई क्लास तो नहीं है इसके बाद कुछ, पता है इसके बाद कोई क्लास नहीं यहाँ तो नहीं। पीएचडी की है सही, वहाँ है वहाँ। चलो इतना ना मालूम, बटन क्लिक कर दिया, इंसर्ट कंपेयर सेलेक्ट हमने करवा लिया था, और हमने कमांड के थ्रू एग्जीक्यूट डिटेल लगा लिया था, ठीक है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई बात समझ में नहीं आई, और एडॉप्टर के थ्रू डेटा सेट में फिल किया था हमने डेटा, और हमने ये देखा था कि डिस्कनेक्टेड आर्किटेक्चर में कैसे काम करते हैं, ठीक है। और हमने इसको मल्टीपल टेबल्स को फिल किया था एडॉप्टर से, एम्प्लॉइज को, कस्टमर को। सर ये जो एडॉप्टर होती है उनमें टेबल्स के लिए यूज करते हैं, एडॉप्टर यूज करते हैं डेटा सेट इंफॉर्मेशन को फिल करने के लिए, ठीक है। और एक वक्त में आप किसी एक टेबल से बात कर रहे हो तो एडॉप्टर के थ्रू, ठीक है ना। अच्छा जी आगे चलते हैं, हम पहले सीक्वल सर्वर देखते हैं, सीक्वल सर्वर केवल चल रहा है, एसक्यूएल सर्वर सर्वर ऑन किए बगैर ही तो चल जाएगा, चल जाएगा, लेकिन मैं देखूँ तो सही कि वो सर्विसेज सारी चीज़ें चल रही हैं, मैं तो यूज़र आईडी पासवर्ड ही मुझे याद पड़ गया। सर्वर के नाम में, एसक्यूएल सर्वर में अगर आप मशीन का नाम जो है डॉट लगा दें तब भी चल जाएगा, लोकल होस्ट लिख दें तब भी चल जाएगा, 127.0.0.1 लिख दें तब भी चल जाएगा, मशीन का नाम लेते हैं, कंप्यूटर का नाम लेते हैं तब भी चल जाएगा, ठीक है। उसकी मैक एड्रेस की आईपी लिखते हैं तब भी चल जाएगा, उसकी अगर डोमेन की आईपी लिखते हैं डीएनएस के तब भी चल जाएगा, ठीक है। मैं डॉट इसलिए लगाता हूँ, डॉट से लगाता हूँ, तो फिर वहाँ पे जब कनेक्शन बना रहे वहाँ भी डॉट, वहाँ भी डॉट लगा आसान हो गया ना, लेकिन मैं वो लोकल मशीन पर लाएगा डॉट लोकल मशीन को रिप्रेजेंट कर। अच्छा एक और आपके इन कोर्सेज में जो है एक और कोर्स कर दिया था सीक्यू सर्वर का, नहीं ये और क्रिस्टल रिपोर्ट और मुकम्मल जो है विंडोज एप्लीकेशन वगैरह का उनके काम तो नहीं है, इतना नहीं आता है ना वो असल में सारा फिर चीज है एक्सपीरियंस, कि आप कितना एक्सपीरियंस करते हैं चीज़ों का, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके जो है ना एक्सपीरियंस में इजाफा होगा एम्प्लॉइज, ठीक है। ये इम्प्लॉइज का टेबल है, ठीक है, यहाँ से हमने इन्फॉर्मेशन फेच कर ली, ये वही इन्फॉर्मेशन है जो आपके ऐसे एक्सेस के फायदे होती है, ठीक है। मैंने क्या करा, मैंने एक और बटन ले लिया, बटन लगाया, ठीक है, इस बटन को प्रेस किया, और क्योंकि अच्छे प्रोग्रामर का क्या काम होता है कॉपी पेस्ट, यहाँ पे हमने लगाया कॉपी पेस्ट, इसका एडॉप्टर वन निकाल दिया, इसको बंद कर दिया, इसको हटा दिया। अब यहाँ पे क्योंकि नेम स्पेस डेटाबेस डिफरेंट है, तो हम यहाँ पे जो नेम स्पेस यूज करेंगे वो सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट करेंगे, ठीक हो गया।
एस स्क्वायर क्लाइन। अच्छा नीचे आ जाए, एसक्यूएल लाइन पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ओएलईडीपी की जगह क्या लिख देंगे, एसक्यूएल डेटा, यहाँ पे बस। लेकिन बाकी में कोई चीज चेंज नहीं कर रहा, सब कुछ वही। सिलेक्ट स्टैटिक काउंट कंट्री, कंट्री नेम अपना, कॉन्टेक्ट नेम, कंपनी नेम, कस्टमर वगैरह वगैरह वही रहना थी। अब ये जो है कनेक्शन, ये कनेक्शन चेंज किस कर रहा, एक्सेस कर रहा। अब क्या किसका लिखेंगे, सीक्यू सर्वर का क्या लिखेंगे, यू आई डी इज इक्वल टू एस ए, पी डब्ल्यू डी इज इक्वल टू एस ए वन। वो अभी देखते हैं, मुझे शायद याद पड़ रहा, यही पा डेटा बेस इज इक्वल टू नॉट वेन और सर्वर इज इक्वल टू डॉट, सिंपल। सर इनका सीक्वेंस नहीं है, सॉरी डेटाबेस की, देखो ये डेटाबेस नहीं है सीक्यू सर्वर। सीक्यू सर्वर क्या है, डीबीएमएस है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। यू जस्ट नीड टू गिव द नेम ऑफ द डेटाबेस, ये फाइल थोड़ी है फिर इसका कोई एक्सटेंशन होगा, ये तो डेटाबेस का नाम। अच्छा जी, कॉन्टेक्ट नेम हो गया, कंपनी नेम हो गया, डेटा सेट हो गया। अच्छा जी, अब ये अगेन कॉपी पेस्ट, कहाँ चेंज किया आपने, सिर्फ मशीन की फंक्शन चेंज करी और एडॉप्टर की क्लास में एसक्यूएल एडॉप्टर दिया। अब एसक्यूएल एडॉप्टर ने इंटरनली एसक्यूएल कनेक्शन की क्लास कॉल करी होगी, एसक्यूएल कमांड की क्लास कॉल करी होगी, और आपको जो है ना वो ये कस्टमर की इंफॉर्मेशन जो है ना वो मिल जाएगी। ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट सेट टू एन इंस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्योंकि कॉपी पेस्ट करने के लिए जरा दिमाग भी लगाना पड़ता है, ये तो कॉल किया ही नहीं मैंने। ठीक है, तो अब आप लोगों ने पढ़ पढ़ के एरर, आपको बिल्कुल ऐसा होना है कि जैसे बस एरर पढ़े और आपको समझ में आ जाए कि मसला है क्या। लॉग इन फेल फॉर यूजर, ऐसे पासवर्ड 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 बड़ा था, मुझे वहां पे लिखा हुआ था वो बड़ा स्टूडेंट होता, वो सारे करेक्टर्स ऐसे ही होते, चाहे 2 करेक्टर हो चाहे 10 करेक्टर हो। अच्छा पासवर्ड जो ना मुझे याद भी नहीं है, तो पासवर्ड निकालने के लिए हम करते ही हैं कि एसएसटीटी पासवर्ड को चेंज कर लेते हैं, तो इससे आसान तरीका क्या होगा, सिक्योरिटी यूजर्स, सॉरी क्योंकि अब हम ऐसे से लॉगिन हुए ना, कनेक्ट, मैं विंडोज ऑथेंटिकेशन से लॉगिन होता हूँ और कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, सिक्योरिटी लॉगिन्स भी आ गए ऐसे ऐसे, और इम्पोज पासवर्ड पॉलिसी SA1 ओके, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज। ठीक है, वो दिखाता है सही हो, डिस्कनेक्ट, राइट क्लिक, कनेक्ट, चेक कर लेना नहीं आ रहा। SA1 अरे
बैठा है, ठीक है, हो गया यहाँ पर। ये कहाँ से आया? सीको सर्वर से आगे ऐसे ही ऑरेकल से आता है, ऐसे ही और जितने भी डेटाबेस हैं उनसे। ठीक हो गया। अच्छा, अब जरा जल्दी 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 आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं अपने दूसरे प्रोग्राम की तरफ। राइट क्लिक किया, ऐड किया, बड़ी सॉरी, बड़ी सॉरी, वेलकम टू डिजाइन टूल बॉक्स। टूल बॉक्स में मैं गया, मैंने कहा डेटा, डेटा में मैंने कहा ग्रिड व्यू, ग्रिड व्यू फेंक दी मैंने इसके ऊपर, ठीक है, इसके पिछले वाली फाइल के बोर्ड में गया, वहाँ से मैंने उठाया सिस्टम डॉट डेटा, इस फाइल पे आया, राइट क्लिक, व्यू कोड, और यहाँ ला के पेस्ट किया, ठीक है। वैसे तो मैं ये कॉल नहीं करूँगा, तो मैंने दो लाइन कॉपी रखी, ठीक है, और मैंने कहा वाइट, एक फंक्शन बनाने लगा लोड डेटा, ठीक है, और लोड डेटा में मैंने कहा, लोड डेटा में मैंने कहा इसको जारी कर लेता फ्रॉम एम्प्लॉइज, ठीक है, एम्प्लॉइज को यहाँ पे हम ये नाम है, नाम ये और वो नाम सेम होने चाहिए। ये डेटाबेस का नाम है, डेटाबेस के टेबल का नाम है, और ये डेटा टेबल का नाम है। डेटा टेबल डेटा सेट में होता है, डेटा और जो टेबल होते हैं वो डेटा बेस में होता है, ठीक है। तो मैंने ये बेसिकली उसका नाम दिया, मैंने सिर्फ उसका नाम दिया, आप बोलना बड़ा और चले चले और चप्पल के साथ ही चले हो इतनी देर में, ये कूद के भी लिया तुम इतनी देर देख रहे हो ना आगे पीछे, शायद भाई होता ना अभी यूं ही लिया था फॉर्म, क्यों शायद भाई ये थोड़ा सा खींचना, कहीं तार है एक्स्ट्रा, इसका बजट ना आ सकता उतना करना, बाकी लोग नहीं खींच देंगे, वो देखो तुमने अगले का निकाल लिया। हाँ जी, तो ये जो ना ये डेटा सेट के टेबल है और ये जो है वो डेटाबेस का टेबल, समझ में आ रही बात दोस्त? रेहान नाम ना, रिजवान, रिजवान, रिजवान भाई समझ में आ रही बात? अच्छा जी, अब आपने क्या करा, एम्प्लॉइज में भरने के बाद आपने कहा ग्रेड व्यू, जो भी कंट्रोल का नाम है, डॉट डेटा सोर्स, डेटा सोर्स इस बेसिकली द रिपोजिटरी ओबीजे डीएस, ठीक है, और मैंने कहा ग्रिड व्यू वन डॉट डेटा बाइंड, डेटा बाइंड का जरा मैशन डेटा बाइंड क्या करता है, डेटा सोर्स ये डिफाइन करता है कि इसको डेटा रीड कहाँ से करना है, और डेटा बाइंड ये करता है कि बाइंडिंग करता है डेटा की सर्वर साइड पर, ठीक है। अगर ये कॉल नहीं करोगे तो ग्रिड में डेटा नजर नहीं आएगा,
ग्रिड को ये तो पता है कि डेटा आना कहाँ से, और लाके उसको बाइंड करना ये फिर नहीं होगा, ठीक है? तो ये आपको करना पड़ेगा, पेट्रोशिप बी बिल्ड सक्सेसेड। अच्छा सॉरी, ये मैं लोड डेटा का जो मेथड है ये कॉम के लोड पे कॉल भी कर लो, ठीक है? कंट्रोल थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन, यानी डेटा सोर्स सिर्फ उसको बता देते कि यहाँ से डेटा उठा, फिर वो डेटा लोड करने के लिए उसमें लाने के लिए जो ना ये डेटा डेटा बाइंड के मतलब, ठीक हो गया? विंडोज में ये नहीं है, विंडोज में तुम ग्रिड रखते हो और ग्रिड को बोलते हो डेटा सोर्स बाइंड हो जाता है, बाइंड क्योंकि वो क्लाइंट साइड पर है ना, ये सर्वर साइड पर है। सर्वर साइड पर सर्वर को बताना पड़ेगा जी। कि भाई तुम ग्रिड बाइंड करके भेजना डेटा मेरे पास, अच्छा जी नजर आ रहा है आप लोगों को? अच्छा अगर मतलब अभी सुबह में बात कर रहे हैं लोगों को नजर नहीं आ रही, आगे डेटा लेकिन सारा ग्रिड में बाइंड हुआ है, लेकिन ग्रिड ही बड़ी जबरदस्त किस्म की ग्रिड आई है। और मैं एक काम नहीं करता, मुझे असल में डेटा बहुत ज़्यादा चाहिए, एम्प्लॉई में इतना डेटा नहीं पड़ा, कस्टमर कस्टमर में डेटा पड़ा। सर एक चीज देखनी है, कस्टमर्स कस्टमर्स कंट्रोल से भी एक सेकंड आपकी बात सुनता हूँ। पर ये जो पहली रो है ये ऑटोमेटिकली बोल्ड हो गई, हाँ ये खुद उसने किया है, ये मजे की एक चीज नहीं है। ये मजे पीएचपी में नहीं है, हमें पीएचपी आज भाई ये कह रहे हैं ये मजे पीएचपी में नहीं है कि ये जो है ना कॉलम्स बोर्ड हो जाएं और ये सारा ग्रिड स्ट्रेट बन, ग्रिड भी बन के नहीं आते वहां पे। ग्रिड भी आप कैसे बनाते हो, फॉर दिस इज इक्वल टू दिस टेबल टी आर डी डी एच टी एम एल, ये हो पंखा ये चल रहे हो है, ऐसे ही कर दो ना। यहाँ पे वो बस एक मैंने कंट्रोल रखा है फॉर्म पे और ये कुछ चार पांच लाइन कोड लिखा है और वो सारा डेटा देना फिल होके आ गया, बल्कि टेबल की क्या वेट और फरमाना स्पेस है? भी बतानी पड़ेगी। आप भी पीएचपी में काम करते हो ना, आपको चिढ़ा रहे हैं है ना, ऐसे ही है ना कि पीएचपी में ये फनकारी करनी पड़ती है वो फनकारी करनी पड़ती है, फिर हर कॉलम की वेट हाइट भी बतानी क्या कह पड़ेगी, रहे थे वो भी आना चाहिए ना, क्या चीज कर वो आना चाहिए। अच्छा आना तो चाहिए, वो जो है ना वो बेसिकली आना बहुत समझ लो कि बेसिक और डीप लेवल की चीज है, आना चाहिए, लेकिन हम अगर बार बार वही करते रहेंगे ना तो हम अपना टाइम उसमें बहुत बर्बाद करते हैं कॉलम की फॉर्मेटिंग में। अच्छा तुमने कोई एक टी आर साइन नहीं लगाया, एकदम से फट जाएगा सेल, इधर से उधर निकल जाएगा, टेबल पूरा आगे पीछे हो जाएगा। या लूप लूप सही चल रहा था, टी आर की जगह टी डी की जगह टी आर लगा दिया, वो कुछ और ही बन गया, अब आप पकड़ रहे हैं उसको बैठ के देख रहे हैं कहाँ से वो गलत हुआ ना, ये बड़े मसले साहब। तो आना तो चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है, ठीक है? ऑब्जेक्शन ये नहीं है, ऑब्जेक्शन ये है कि आप अपने मैक्सिमम टाइम जो है ना वो क्लरिकल वर्क में जाया कर रहे हो, ये जो नॉन प्रोडक्टिव काम। अभी मैं आपको देखें प्रोडक्टिव सिखा रहा हूँ, अभी आपको मैं अगले 45 मिनट में वो सिखाऊंगा जब आप अपने अगले 45 घंटे लगाएंगे पीएचपी में करने में, ठीक हो गया? क्या नौकरी कह वर्किंग है ना, अगली जो एप्लीकेशन बनाओगे तो ऐसी डॉक्यूमेंट बनाओगे पीएचपी को तुमने। अच्छा तुमने क्योंकि लाइक स्टार्ट कर रही है तो अब नेक्स्ट एएसपी डॉटर बनाओ, चलो एक एक तो बंदा कन्विंस हो गया है, ये पहले से कन्विंस थे, एक वो सुबह आता है पीएचपी वाला बंदा वो नहीं कर मिक्स स्पाइस, तो वो भी आता है एक ये अस्करी भाई हो गए, चार तो मैंने पीएचपी के काट दिए। सर्वर अच्छा सर्वर अवेयरनेस पता होना चाहिए कि हम सेक्टर में कितनी फीस दे रहे हो, कौन सी टीचर है, कैसे पढ़ाते हैं। उसको स्टार्ट करेंगे अस्करी भाई को अपने साथ क्यों नहीं उठा रहा, आज नजर ही नहीं आया और वो आए इसकी खातिर मैं वहां गया सर, लेट में गया, मैंने किसको देखा अरे अस्करी, अरे अस्करी आंखों में आंसू आ रहा। अच्छा जी बाइंडिंग हो गई, ठीक है? अब जरा सा ग्रेट ये जो नजर आ रहा है ना लुक एंड फील, ये जो नजर आ रहा है ये बहुत अजीब सा नजर आ रहा है, मुझे इतने सारे कॉलम्स नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, कंपनी का नाम, उसका एड्रेस, सिटी और कंट्री, एड्रेस सिटी और कंट्री। और एक चीज और की
आप दिखाएं जरा ये ग्रिड भाई, ये इनको बोलो बातें वाले हैं। और ये ग्रिड ग्रिड है, अब उसमें जैसे लिखे ना कॉन्टेक्ट टाइटल, तो एक स्पेस आ रहा है, स्पेस देख रहे फरमाइशें देखने की जरा भी आप अभी अभी देखना, इनकी फरमाइशों का अंबार खुलेगा अभी, आगे हम चलेंगे ना ऐसा ऐसा, तो ये कहेंगे सर इसको यूं भी कर दें, इसमें इतने सारे रिकॉर्ड्स ना आए, 10 आ जाए, 15 आ जाए, अगले पेज पे आ जाए, अगले 15, ठीक है शॉर्ट हो जाए, पेजिंग हो जाए, स्ट्रेचिंग हो जाए, ठीक है ना सारी पॉलिशन। ये अगले 45 मिनट, अब 45 में से भी 3 का 2 का होगा, अगले 43 मिनट्स के अंदर जो ना वो सारा काम होगा होपफुली, ठीक है। बाइंडिंग हो गई, बाइंडिंग के बाद में ये अब थोड़ा सा वो अलग काम है जो आप बोल रहे थे, HTML थोड़ी आनी चाहिए, वो जो भी आप बोल रहे थे फॉर्मेटिंग नहीं, कंट्रोल के साथ खेलना। अच्छा अब यहाँ पे और इसके अंदर, इसके अंदर एक चीज है कॉलम्स, ठीक है कॉलम्स के अंदर आओ, एक चीज है बाउंड फील्ड, बाउंड फील्ड में एक चीज है डेटा फील्ड, डेटा फील्ड कौन सी है आपने कहा, कौन सी फील्ड उठानी थी आपने, कॉन्टेक्ट नेम, कंपनी नेम, कंपनी नेम आपने, कंपनी नेम आपने कहा, और इसका टेक्स्ट जो है क्या नाम है आपके शायद भाई की फरमाइश के ऊपर, कंपनी स्पेस ने, ठीक हो गया, तो अच्छे बोला हम क्या करते हैं कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक है। कंपनी के बाद क्या उठाना था, सिटी कंट्री ऑफ फैक्स, फैक्स इसलिए उठा लेते हैं क्योंकि वो नंबर है, तक नंबर भी लिखा नंबर टाउन रहता है, तो आपने कहा सिटी, ये काम कर एक फॉर्म और सर, ये कॉन्टेक्ट नेम, सॉरी डब्ल्यूपीएफ कॉन्टेक्ट नेम, ये डब्ल्यूपीएफ, ठीक है कॉन्टेक्ट नेम, क्या आपने कहा सिटी, आपने कहा सिटी या नेम बनाना था, एक आपने कहा कंट्री, आपने यहाँ पे कहा मिडल टेंस में कंट्री, और फिर आपने कहा लाइक फैक्स या फोन, फोन में कॉल भी तो करनी होगी ना, नाम वाम पड़ेगा, एड्रेस उठा लें, एड्रेस लगवा जाएगा फिर। अच्छा सर एक चीज और, चले एड्रेस ले आए एक तजर्बा हो जाएगा, यहाँ पे तो शुरू में आ रहा है उसको एंड पे कर दो, अच्छा उम्र के ख्वाहिशें कोई मुश्किल से होती है, कंट्रोलशिप भी पोते पोतियां नवासे नवासे खेल ले रहा है, ऑटो जनरेट कॉलम्स वो आप फॉल्स कर रहे हैं, तो ये प्रॉपर्टी में फॉल्स हो जाएगी तो जो आपने दिए तो फिर वही नजर आएंगे हौसला आपको, सर जी आ गया एड्रेस, ये मेरे से सवाब की से डाला एड्रेस ताकि आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाए। अच्छा जी, अरे बहुत सारे रिकॉर्ड आ रहे हैं, शाहिद भाई की तीसरी ख्वाहिश ये थी कि एक वक्त में 10 हजार के पेश में, ठीक है एक प्रॉपर्टी जिसका नाम है अलाउ पेजिंग, ये करते हैं ट्रू, जैसे ही अलाउ पेजिंग ट्रू करेंगे तो देखें आपको एक वक्त में 10 रिकॉर्ड नजर आ रहे हैं, लेकिन वो एड्रेस की वजह से थोड़ा सा यहाँ एक वो कर लो, थोड़ा सा इसको छोटा कर लो, लाइक वन से भी फैल हो, अब सही है ठीक है। अच्छा ये 10 बाय डिफॉल्ट है, 10 आपको कितने चाहिए, 15 चाहिए,
चौथी फरमाइश पेज साइज, आपने कहा 15,000, ठीक है। अभी अभी बहुत, अभी तो हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अनुमा लेकिन फिर भी कम निकले, ऐसे है ना। अच्छा कुछ चीज ऐसी भी है कि मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं है, लिस्ट तो याद आएगी। आगे भाई नेक्स्ट वीडियोस, अब आप सोचें और वो ख्वाहिश आपकी पूरी हो जाएगी। लेकिन मैं नेक्स्ट के ऑर्डर वीडियोस ये क्लिक किया है तो ये एरर आ गया, क्या कहता है, इवेंट फायर हुआ है, पेज इंडेक्स चेंजिंग और हैंडल नहीं हुआ। हैंडल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपने हैंडल किया नहीं है। कैसे करेंगे हैंडल, आप जाएं पेज पे और पेज पे सेलेक्ट करें ग्रिड को, ग्रिड को सेलेक्ट करने के बाद जाएं प्रॉपर्टी विंडो में, प्रॉपर्टी विंडो में जाने के बाद जाएं इवेंट विंडो में, इवेंट विंडो में जाने के बाद आप करें पेज इंडेक्स चेंजिंग, ये इवेंट आपको कॉल मिलेगा। इस इवेंट में क्या करना है, इस इवेंट में कुछ नहीं करना, आपने कहा ग्रिड व्यू वन डॉट पेज इंडेक्स, यानी कि जो पेज इंडेक्स तो ना कि किस पेज पे खड़े हैं, उस ग्रिड के अंदर भी मल्टीपल पेजेस बन गए, आपको किस पेज पे जाना है। तो ये आपने कुछ नहीं करना, ये आपको खुद बताएगा इवेंट कि मैंने इस अब जो क्लिक किया वो थ्री पे किया, सेवन पे किया, नेक्स्ट पे किया, प्रीवियस पे किया, लास्ट पे किया, ठीक है। ये नेक्स्ट और आपने क्या करा, वापस से लोड डेटा करना, ठीक है। ए से आ गया, नेक्स्ट 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 और अगर लास्ट पे जाना तो लास्ट पे जाना, लास्ट पे आ गए, लास्ट पे नहीं लास्ट अच्छा एक सेकंड के लिए अगर मैं वो कर दूं, ये जो है इसकी प्रॉपर्टी कर दूं न्यूमेरिक, ठीक है। तो पहले पेज पे 15, 15, 30, 45, 45 के बाद आ गया 60, ये 60 रिकॉर्ड हो रहा है, 60 के बाद हो गया 75, 90, टोटल कितने रिकॉर्ड है, 91 रिकॉर्ड है, ठीक है। तो एक आ गया बात है ना, अगर मैं ये पेज साइज कर दूं 10, तो टोटल कितने पेज बनेंगे, 10 पेज। ये तो आपने उस वक्त सुना सुना होगा ना जब मैंने बोला होगा, 10 पेज बनेंगे, 190। अच्छा पहले पेज पे तो आप बाय डिफॉल्ट खड़े हुए होगे ना, ठीक है, पहले पेज पे आप बाय डिफॉल्ट गए तो 10वें पेज पे आपको एक रिकॉर्ड मिलेगा। 10वें पेज पे मतलब क्या, 91 से लेकर 100 तक, ठीक हो गया, पेजिंग हो गई, ग्रिड में डेटा आ गया, कॉलम्स मर्जी के आ गए, ठीक है। आप क्या क्या रह गए,
फॉर्मेटिव नहीं, फॉर्मेटिव से पहले एक चीज जरूरी है, सॉर्टिंग। आप क्या है सॉर्टिंग? सॉर्टिंग जरूरी है। सॉर्टिंग या किस तरह हम फॉर्मेटिंग क्या करनी है तुमने? फॉन्ट्स वगैरह। एक ऐसी तुम्हारी वो बात को बस ऐसी फॉन्ट फैमिली भी कर लेते दोस्त। आपके पास बहुत सारे तरीके हैं काम करने के। इवन अगर आपने पूरे ग्रिड के ही फॉन्ट चेंज करने हैं तो आप कर सकते हो। पीएचपी में इस एक लाइन की जगह पे दो सीएसएस की क्लासें बनानी होगी, ऑड चाइल्ड और इवन चाइल्ड। अच्छा, उनको चलाना होगा। क्या कह रहे हैं? समझा नहीं बात। ग्रिड रिस्पॉन्सिव है। Responsive in the sense what? आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप टेबलेटरी बोलना चाहें, मोबाइल बोलना चाहें, तो ये देखो मैंने एडजस्ट किया। क्यों ऑटो ज़्यादा है क्योंकि पीएचपी में इंटरनेट कर रहा है। तो जितना टेक्स्ट स्क्वीज़ हो रहा है ना, उतना ही कर रहा है। लेकिन थोड़ा सीएसएस एचटीएमएल यूज़ करिएगा। हाँ, मतलब कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। अभी तो हमने बहुत बेसिक्स, मोबाइल में जो फॉर्म होता है वो ऐसे होता है, ठीक है। तो अभी हमने सबने इसको जूम भी किया है ना। अगर ये जूम नहीं करते तो शायद अपने आप को थोड़ा बहुत एडजस्ट करता। okay. तो एडजस्ट तो कर रहा है अपने आप को, जितना टैक्स आ रहा है उतना अपने आप को एडजस्ट तो कर रहा है, जितना कोशिश कर रहा है। बगैर सीएसएस के इतना एडजस्ट हो। अच्छा जी, और हमने क्या करना था? सॉर्टिंग। सर सॉर्टिंग के लिए इसमें ऊपर गया ना वो असेंडिंग डिसेंडिंग के बटन लग सकते हैं, क्लिक करेगा तो असेंडिंग हो जाए फिर क्लिक करेगा। सुने भाई, एक तो फरमाइश ही नहीं कर रहा हूँ भाई, ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं सॉर्टिंग भी हो जाए और सॉर्टिंग साथ साथ ना मैं क्लिक करूँ असेंडिंग हो जाए, क्लिक करूँ डिसेंडिंग हो जाए, उसके भी बटन आ जाए। वैसे जाके माइक्रोसॉफ्ट वालों को कह रहे हैं ऐसा नहीं होगा। क्या कह रहे हैं? बात पता की कर रही है। ये तो बाकी बातें बगैर पता की करते हैं, आपको कह रहे डायरेक्टली सारी बातें पता की करते हैं। इनकी सुनता कोई नहीं है, बस उसको कर रही है। अच्छा जी चलें, अब इनकी फाइल्स को जो है ना पाए तकनील तक उतार, ये तो मैं नहीं पढ़ने देंगे आज। क्या कह रहे हैं? अच्छा पहले किसकी पूरी करें, इनकी या आपकी? शायद भाई बुजुर्ग है। आप तो कवर सूट के आए हो, फिर अगर ये बुजुर्ग है तो है ना, बुरा तो नहीं बात मेरी बात का। दो रोटी ज्यादा खा लो। सॉर्टिंग इज इक्वल टू ट्रू। अभी सर्चिंग भी करा रहा हूँ, और भी इसके बाद अगर कोई तुम्हारा ख्वाहिश होगी तो वो भी पूरी की जाएगी। ASP.NET के अंदर allow sorting is equal to true, ठीक है। अच्छा इसके बाद लेकिन थोड़ा सा हर चीज को हलवे की तरह जैसे मुंह में तो नहीं डाली जाएगी, कुछ थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी ऐड करनी पड़ेगी, sort expression। Sort expression is basically where we class। तो where we class में कॉलम क्या लगेगा? कंपनी नेम। इसी तरीके से सॉर्ट एक्सप्रेशन इज इक्वल टू कॉन्टेक्ट नेम, ठीक है। सॉर्ट एक्सप्रेशन इज इक्वल टू स्थिति। अच्छा यहाँ सॉर्ट एक्सप्रेशन इसलिए अलग दिया हुआ है क्योंकि बाद अगर ऐसा होता है कि डेटा फील्ड और होती है और आपको क्लिक करने पर सॉर्ट किसी और कॉलम से करना होता है, यानी कि वेयर की क्लॉज में
अच्छा कंट्री शॉर्ट एक्सप्रेशन इज इक्वल टू एड्रेस, यहाँ तक क्लियर हो गया? कंपनी नेम, कॉन्टेक्ट नेम, सिटी, कंट्री, एड्रेस, कंट्रोल एस। चलिए अब हम चलते हैं इसका इसका रिजल्ट देखते हैं, तो क्योंकि हमने अभी सिर्फ फ्रंट एंड पे चेंज किया है, कोडिंग में कुछ भी नहीं करा, ठीक है? इसको करने से क्या हुआ, ये कॉलम्स देखे हाइपरलिंक में कन्वर्ट हो गए, एक दफा क्लिक करेंगे तो असेंडिंग होगा, दूसरी दफा क्लिक करेंगे तो डिसेंडिंग। इनको बुला दो भाई, ये कहाँ काम हो रहे हैं, ये इसी क्लास के हैं, इसी कोऑर्डिनेट क्लास है, हैं? देखना देखना, मुझे लग तो रहते हैं इसी कोऑर्डिनेट क्लास में, बदल लो फिर मारे जाओगे, मैं जा रहा हूँ, वो जा रहा है। अभी आ जाए तो मैं कोड लिखता हूँ आगे। हाँ सर, एसपी डॉटेड और डब्ल्यूपीएफ से हम मतलब वो डेटा उसको एक्सेस कर रहा हूँ, तो दोनों में डिफरेंस होता है? वो सुपर है, एसपी में मेरी जो कॉल चल रही है वो डब्ल्यूपीएफ में सिंथेसाइज़ कर रहा हूँ। अच्छा पीएचपी वाले हैं, क्लास ज्वाइन कर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अच्छा ये तो पुराने स्टूडेंट है हमारे। अच्छा जी, अब हम सॉर्टिंग में क्या करेंगे, सॉर्टिंग में जब हम इस कॉलम्स को क्लिक करेंगे तो ये एक इवेंट फायर करेगा जिसका नाम है इवेंट फायर सॉर्टिंग विच इज नॉट हैंड रिलेटेड, ठीक है? अच्छा जी, हमने क्या करा, हमने इसको ये बोला डिजाइन में जाओ, ग्रिड में जाओ, और ग्रिड में जाके प्रॉपर्टी विंडो में जाओ और इवेंट विंडो में जाओ, और इवेंट विंडो में एक इवेंट है जिसका नाम है सॉर्ट इंडेक्स चेंजिंग, ठीक है? इस इवेंट को कॉल कर लो। इस इवेंट में क्या करो, एक व्यू स्टेट का वेरिएबल ले लो, ठीक है? अगेन ये आप बेसिकली यूज करते हैं टेम्पररी लोगर्स के लिए, ऑर्डर, और ऑर्डर में आपने सेव के वाले ई डॉट सॉर्ट एक्सप्रेशन, वो जो मैंने कुछ गलत जगह पे जगह वो कोड लिखना शुरू कर दिया, आप लोग भी देख रहे हैं माशाल्लाह, मैं गलत इवेंट में चला गया हूँ, सॉर्ट इंडेक्स चेंजिंग नहीं होगा, सॉर्टिंग होगा, ठीक है? इस पर करना है, आप चाहें तो ये यहाँ से निकाल दें और ए एस पी एक्स की फाइल में जाके सोर्स में जाके ये जो आपने एक्स्ट्रा इवेंट लिखा है अभी इसकी कोडिंग भी, ठीक है? और डॉट सॉर्ट एक्सप्रेशन, ठीक है? ये सॉर्ट एक्सप्रेशन क्या रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग बैठ गया सर। अच्छा अब एक मसला है, जो शाहिद भाई की फरमाइश थी कि जब मैं क्लिक करूं तो असेंडिंग हो जाए, क्लिक करने दो डिसेंडिंग हो जाए, तो व्यू स्टेट बाय डॉट टू स्ट्रिंग इक्वल टू इक्वल टू ए एस सी, अगर असेंडिंग हो इफ असेंडिंग सेट करते हैं,
अच्छा अब यहाँ पे देखो टू मिल जाएगा, हाँ यहाँ पे टू स्ट्रिंग लगेगा, हाँ यहाँ पे एक स्ट्रिंग लगेगा, यहाँ पे टू स्ट्रिंग लगेगा। अगर असेंडिंग है तो असेंडिंग है तो डिसेंडिंग, अगर नहीं है तो असेंडिंग है तो ठीक है। लेकिन इन दोनों का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? वेयर की क्लॉज में, ठीक है। अच्छा एक और बड़े मजे की चीज है कि ये दोनों चीजें जब आप फर्स्ट टाइम पेज लोड पे जब आप लोड करवाएंगे तो इनको कोई वैल्यू फर्स्ट टाइम को देंगे ना, फर्स्ट टाइम पे क्या करेंगे आप? कंपनी नेम पे सॉर्ट हो जाए, और कैसे सॉर्ट हो जाए? असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। और इफ नॉट इज पोस्ट बैग, ये फर्स्ट टाइम आपने कंपनी नेम और साइनिंग करवा दिया इसको। अब ये जो चीजें ना ये वाली ये आप यूज कर लें अपनी क्यूरी में। अच्छा एक काम और करते हैं साथ साथ जो ना वो सर्चिंग वाली जो नहीं बात कर रहे थे ये इसके साथ सॉर्टिंग के साथ जो ना सर्चिंग भी यूज हो जाएगी। ये चलें थोड़ा सा अलग अलग कर लेना। पहले एक काम करते हैं डेटा डॉक्टर से डेटा सेट बनाया हमने, एक चीज पढ़ी थी डेटा व्यू, याद है हमने जब थ्योरेटिकल पढ़ लेते पिछली से पिछली क्लास में हमने चीज पढ़ी थी डेटा व्यू। आप अपने डेटा सेट में से ठीक है डेटा व्यू निकालने, कैसे? डेटा व्यू ओबीजे डीबी ठीक है इक्वल टू न्यू डेटा व्यू, डेटा व्यू डेटा व्यू बनाया है ठीक है। और इस डेटा व्यू में से ओबीजे डीबी इज इक्वल टू ओबीजे डीएस डॉट टेबल्स 0, जो भी टेबल आपका कौन सा टेबल है कस्टमर्स का टेबल है, डॉट डिफॉल्ट व्यू निकालना। अच्छा व्यू निकाला है आपने कहा ओबीजे डीबी डॉट सॉर्ट, सॉर्ट किस पे मांग रहा है? गेट और सेट का सॉर्ट कॉल, सॉर्ट इज इक्वल टू आपने कहा ऑर्डर ठीक है डॉट टू स्ट्रिंग प्लस। अच्छा अब किस पे करना है, सेंडिंग पे करना है डिसेंडिंग पे करना है? तो आपने एक स्पेस और लगाया और यहाँ पे अगेन वही वापस उसको टू स्ट्रिंग दिया और यहाँ पे इस दफा ऑर्डर की बजाय क्या कर दिया बाय। अच्छा ये एग्जैक्ट एग्जैक्ट ये वही चीज है जो आप करते हैं डेटाबेस में कि डेटाबेस में सर्च लगाते हैं सॉर्ट लगाते हैं असेंडिंग करते हैं डिसेंडिंग करते हैं। इस दफा मैं क्या कर रहा हूँ कि डेटा सेट से निकाल के डेटा व्यू में लेकर आया और डेटा व्यू को मैंने कहा सॉर्ट करो और डेटा व्यू को सॉर्ट करते हुए मैं बता रहा हूँ किस कॉलम पे सॉर्ट करो और कॉलम बताते हुए ये भी बता रहा हूँ कि इसको असेंडिंग में करना है या डिसेंडिंग में करना है। फर्स्ट टाइम जब ये चीज कॉल होगी तो ये किसमें सॉर्ट कर देगा? कंपनी नेम पे। अच्छा मैंने कोई कॉलम नहीं लगाया सेंड कॉल का, ये समझ में आया डेटा व्यू हुआ कर क्या रहा है? डेटा सेट में से व्यू निकाला, अब व्यू आ गया आपके पास, डेटा सेट पर डेटा अपनी जगह पड़ा, अब आप क्या कर रहे हैं उसके साथ प्ले कर रहे हैं, क्या सॉर्ट करेंगे? अभी हम सर्च भी करेंगे, ठीक हो गया। कंट्रोल शिफ्ट बी वेल स्टार्टेड वेल सक्सेसफुल, ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट सेट टू एन इंस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हमने शुरू में कुछ गलती करी है। अच्छा हमने इसको दिया है बाय,
फर्स्ट टाइम पे बाय दिया असेंडिंग। अच्छा, हुआ ये गलत तरीके से कॉल हो गया, पेज रिफ्रेश नहीं होता, वो असल में सॉर्टिंग का इवेंट लेके बैठा हुआ। ठीक है, अब मैंने आपको बिल्कुल नया साफ सुथरा सादा फिजू पेज खोल के दिखाया। ठीक है, अब मैंने देखिए कंपनी नेम को ऑलरेडी सॉर्ट हुआ है, और किस ऑर्डर में हुआ है, असेंडिंग में हुआ है। आप देख भी सकते हो 10वें पेज पे डब्ल्यू आ रहा होगा और पहले पेज पे ये आ रहा है। अच्छा, एक जो बात कर रहे थे ना भाई, क्या नाम आपका, उसकी रिस्पॉन्सिवनेस की, रिस्पॉन्सिवनेस अगर एक तरीके से अगर हम देखें ना रिस्पॉन्सिवनेस, तो हम थोड़ी सी रिस्पॉन्सिवनेस यूं भी कर सकते हैं कि विथ हम डिफाइन करते हुए बता दें ग्रेड की कि तुम्हारी विथ क्या है 100%। ठीक है, मैं ये चेक करता हूँ इससे कितना रिस्पॉन्सिव बन जाता है, सिर्फ एक प्रॉपर्टी चेंज करने से ये कितना रिस्पॉन्सिव बनेगा। ठीक है, अगर आप देखो आपका टैबलेट है तो जितना आप अपने देखें चीजों को बढ़ा रहे हैं चढ़ा रहे हैं, वो देखें अपने आप को सेट कर रहा है। कहाँ पे वो स्क्विज करेगा, जहां पे देखो इन्फॉर्मेशन मैक्स हो जाएगी वहां ही लाकर रुक देगा। ये देखो यहाँ इन्फॉर्मेशन मैक्स होगा, इससे ज्यादा नहीं कर सकता इसको, यहाँ पे इसको बढ़ा। ठीक है, इसलिए ये बड़ा कर रहा हूँ छोटा कर रहा हूँ, ये रिस्पॉन्सिव है। ठीक है, तो दैट इज द वन ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ द रिस्पॉन्सिवनेस विदाउट यूजिंग द सीएसएस। ठीक है, अच्छा हम क्या कर रहे थे, सॉर्टिंग, सॉर्टिंग तो कर ली ना। अच्छा, अब सभी सॉर्टिंग, ये वो सॉर्टिंग है जो बाय डिफॉल्ट इंटीग्रेटेड सॉर्टेड थी। अच्छा, अब मुझे कॉन्टेक्ट नेम पे साथ करने, मारिया आ रही है, एना आ रही है, एना और एंटोनियो जो ना ये ए वाले पहले आते हैं, चलें ये इसकी तो कोई जैसे ना वो कहते ना भंड हो, तो अभी कोई चीज चली नहीं है सही। सॉर्ट एक्सेप्शन में गया, ऑर्डर में बैठा, ऑर्डर में उसके पास व्यू स्टेट में एक वेरिएबल आ गया। अच्छा, उसके पास यहाँ गया सॉर्ट, सॉर्ट करने के बाद मैंने डीबी दे दिया उसको, डेटा सोर्स को, बिल्कुल सही है। अब एक काम ही करते हैं, अब इसके लिए थोड़ी सी डीबगिंग शिबगिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, बस वो कहते ना अपने दिमाग में मैंने कोड को ट्राई रन किया, मुझे एरर समझ आ गया। क्या एरर सर? यही है कि जो ना इनिशियली जो ना वो शॉर्ट में जो वैल्यू नहीं होगी ना। बड़े भाई यहाँ इसके बाद मैंने लोड डेटा का मेथड ही कॉल नहीं करा, समझे? ये देख रहा हूँ यहाँ के बाद लोड डेटा तो करवाओ, लोड डेटा नहीं होगा तो डेटा कहाँ से रिफ्रेश होगा। ठीक है, you are not connected to the मेरा मैं हमेशा IAS Express बन हो गया सर। अच्छा हाँ, वो डीबगर लगाया था ना तो IAS Express बन हो गया, मैंने स्टॉप कर दिया। चलिए ठीक है जी, कॉन्टेक्ट नेम हो गया, कॉन्टेक्ट नेम ठीक है, सिटी एड्रेस ठीक है, कंपनी का नाम का ऑप्शन पर हो गई, सॉर्टिंग हो गई, पेजिंग हो गई, अब क्या रहेगी? सर्चिंग जी, सर्चिंग किस पे सर्च करना है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तो आ गया ना तुम्हारे पास डेटा। मैं तुम्हारा सवाल अपनी मैं खुद ही पूछ लेता हूँ अपने आप से, मुझे सर्च करना है कंट्री जो है ना स्वीडन हो,
किसी एक पे सर्च कर लोगे तो सब पे सर्च हो जाएगा ना उसी तरीके से। अच्छा तो अगेन कोई सर्च जब तुम करवा रहे हो किसी से तो क्राइटेरिया तो लोगे ना यूजर से कि तुम्हें किस पे सर्च करना है, कंट्री पे करना है, सिटी पे करना है, कॉन्टेक्ट नेम पे करना है। तो तुमने कहा कंट्री पे करना है, अब कंट्री में तुमने कहा कंट्री में किस कौन से कंट्री का डाटा तुम उठा के दूँ, वो डाटा भी तो यूजर ही देगा ना जब वो टाइप करेगा किसी टाइप बॉक्स में। ठीक है, जब वो टाइप बॉक्स में टाइप करेगा तो तुम क्या करोगे, उसका इनपुट लेके अपने पास यूज कर लोगे। ठीक है, मैं तुम्हें हार्ड कोडेड सिखा देता हूँ, तो उसको टेक्स्ट बॉक्स से सर्च कर लेना। ठीक है, अभी मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हार्ड कोडेड करी हैं, एक चीज़ में और हार्ड कोड कर देता हूँ, सॉर्ट सॉर्ट करते करने के बाद क्या करो, सर्च लगाओ ओबीजे डीवी यानी कि डेटा व्यू डॉट रो फिल्टर। ठीक है, रो फिल्टर में मैंने कहा अच्छा कंट्री, मुझे क्योंकि स्वीडन बहुत पसंद है भाई, बहुत खुश हो जाएगा, तो स्वीडन सर्च के ले आओ। अब ये जो टेक्सबॉक्स की जो वैल्यू है ये किस पे सर्च करना है और क्या करना है, ये तुम किसी यूजर से इनपुट ले लोगे ना, टेक्सबॉक्स लगा के कॉल वो ड्रॉपडाउन लगा के व्हाटएवर। ठीक है, मैंने यहाँ हार्ड कोड कर दिया स्टूडेंट, कितने रिकॉर्ड आएंगे स्टूडेंट है इसमें, कितने हैं, दो है मेरे ख्याल में, तो ये नॉर्थ अमेरिका का डेटाबेस पी गया मैं। ठीक है, तो आप भी पी जाए खेल खेल लेते सर, तो इसमें देखो दो है, ब्रैक है और लूली है, ये दोनों जगह मैं नहीं गया, मैं गया था स्टॉकहोम, बड़ी खूबसूरत जगह, मतलब कहते हैं दुनिया में जो सबसे खूबसूरत तरीन जगह है ना वो स्वीडन। तो डेट्स ऑल, और किसी की कोई फरमाइश है सर, इतने सारे हमने किए बाकी नहीं, और किसी की फरमाइश हो भाई, फरमाइश मतलब डेटाबेस से रिलेटेड हो, ऐसा ना हो कि बिरयानी खाने की फरमाइश हो या इनपुट के लिए। अच्छा ये भी चलो अच्छा सवाल, इन्होंने सवाल ये किया है भाई ने कि अच्छा ये थोड़ा सा ना ट्रिकी है, ट्रिकी इन द सेंस इसके लिए मुझे अपना मोबाइल खोलना पड़ेगा और मैं वहाँ तक तो ले आऊँगा जहाँ तक आपको ग्रिड के अंदर इनपुट्स के चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी। एक प्रॉपर्टी होती है उसका मैं चलो कोशिश करता हूँ, लिखते हैं कि स्क्रिप्टलेट्स लिखते हैं उसके लिए थोड़ा सा, ये देख लो भाई कल को फिर तुम बोलोगे आते भाई ये कैसे गया। अच्छा मैं अगर आप बुरा ना आने थोड़ी देर के लिए एड्रेस निकाल दूँ, ठीक है, और कंट्री जो ना कंट्री मैं रिपीट कर लेता हूँ उसे, ठीक है, और बल्कि नहीं बाउंड फॉर फील्ड की जगह मैं ले लेता हूँ उसको, इधर बड़ा सन्नाटा छाया हुआ है साइड पे, समझ में आ रहा है आप लोग, सो रहे वापस हो रहे। अच्छा यहाँ पे देखें एक चीज़ है टेम्पलेट फील्ड, ठीक है, एक चीज़ है आइटम टेम्पलेट, आइटम टेम्पलेट के अंदर आ जाता है कंट्रोल होते हैं सती ठीक है, यहाँ तक मैं आपको करके दिखा दूँ, आगे आप खुद कर लोगे या घर तक छोड़ के आना, कंट्रोल शिफ्ट बी बिल्ड सक्सेडेड
और अगर मैं यहाँ पे जाऊँ सर, ये देखें देखो सारे, बाकी अगर आप यहाँ पे टेम्पलेट फील्ड में हेडर टैक्स देते हैं कंट्री, तो देखें हेडर टैक्स भी आ गया, ठीक है। अच्छा अगर बाकी वो चीज़ें दे देंगे जैसे शॉर्ट एक्सप्रेशन, मैं सर मिला कर जा रहा हूँ, वहाँ तक लेके आऊँगा, जहाँ तक आपका काम हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। ये भी डेसिमिलर हो गया। अब इसमें इसके टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट में वैल्यू दिखाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जरा सा वो है ट्रिकी है, इसको कहते हैं स्क्रिप्ट लेट्स। मैं फर्स्ट टाइम, मैं काफ़ी अर्से बाद में यूज कर रहा हूँ, क्योंकि सेंटेक्स प्रॉब्लम लग रहा है, ये तरीका नहीं होगा। ई वेल डेटा बाइंडर डॉट ई वेल, अच्छा मैंने इसको किया कंट्री, एरर एरर परसेंटेज स्पेन कस्टमर, द सर्वर टैग इज नॉट वेल फॉर्मेटेड, कोई जो है ना चीज अच्छा ऑब्जेक्ट कंटेनर भी मांग रहे हैं, एक्सप्रेस का नाम नहीं नहीं ये कंटेनर मेरे ख्याल में वो ये डेटा सेट है, मैं जरा एक सेकंड दे रहा हूँ, होता ही ऐसा ही है। परसेंट लेस देन परसेंट का साइन एंड परसेंट हैश,
चलता ही ऐसे है। रन करना पड़ेगा, कंपाइल कर लिया मैंने। अरे वो देखो बोल ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही यूज करना। एम परसेंट लगाया मैंने, एम परसेंट कहाँ पे था? ये काम किया ना ये सिंगल कोड डबल कोड है ना। हो गया तो ये टेक्स्ट बॉक्स में आ गया। अब आप स्वीडन में करो तो नहीं, स्वीडन नहीं कराची या जो भी पाकिस्तान। अब आप नीचे सेव का बटन देना, सेव पे वापस डेटा जो ना वो सेव करवा दें। ठीक है, तो ये है सारी कहानी। जैसे पूरा लिख के इसमें चलो फिर छोड़ो। फर्स्ट नेम लाइक जेनेट। अब जेनेट उठने का पसंद का साइन लगा क्या नाम जेनेट सोच लगा। अब फर्स्ट नेम अच्छा, अब तुमने करना है और, तो फिर और लगेगा और लास्ट नेम। लास्ट नेम कोई है यार स्टीवन और लास्ट नेम लाइक। तो हर एक के कॉलम के लिए ना आपको अलग से जो है वो देनी पड़ेगी वैल्यूज। अच्छा नहीं क्यों नहीं सोच हुआ क्यों? मेरे पास वो जो बंदा है स्टीवन, अच्छा उसके ये लास्ट पास है सॉरी यार किंग लिखना है किंग क्या हो गया सुबह तो बंद पड़ा था। आई डोंट नो बता देना बेचारे गर्मी में बैठा। वसूल था भाई नंबर शमशाद भाई वाले को
नहीं नहीं वाहि इस्लाम ये बताएं कि पीएचपी का सेमिनार किधर है? मेरे नीचे टेबल के नीचे। अच्छा नीचे वाले बोल दो देखो जी। नहीं नहीं मुझे कोई जल्दी नहीं है, वो बच्चे आए हुए थे, मैंने पूछ के कहाँ हो रहा है। ओके ये इसके नीचे वाले सेमिनार हो रहा है। हाँ इसके नीचे वाले फ्लोर पर, यहाँ सीढ़ी से तो नीचे उतरोगे ना तो लंबा सा कॉरिडोर है, ग्लासेस के डोर लगे हुए उसी में। अच्छा जी तो आप लोगों से भी किसी को जाना है देश में समझ आता है नहीं जाना? अस्करी भी जाना है। अस्करी भी जाना है? अस्करी भी जाना है। अस्करी तो कौन कर ली देश क्या हाल है? हाँ हाँ हैं यानी कि अभी भी कुछ असरात हैं, बीमारी जो ना पूरी खत्म नहीं हुई है तुम्हारी अभी। ये लो भाई ये लो भाई पर्सनल हो गए। ये कह रहे हैं कि पहला प्यार नहीं भूलता। पीएचपी के साथ है आपका पहला अफेयर है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, तो आपने फुटप्रिंट छोड़े होंगे ना कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपने निशानी छोड़ती होगी, तो उनको पता चल गया कि आप पीएचपी से प्यार करते हैं। नहीं करते यहाँ की बात नहीं करता। अच्छा चले मेरा टॉपिक वैसे खत्म हो गया, किसी को कुछ सवाल है सर? भाई रुक तो जा रहा था, बाकी लोगों से भी तो पूछ लेते हैं। बाकी किसी को कुछ सवाल है? सॉरी डिस्कनेक्ट एक्सट्रैक्शन मैं पढ़ा चुका हूँ। ये माइक थोड़ा ऑन कर लेना, और सवाल जो है ना बड़ा कंसाइज होना चाहिए, शॉर्ट। वो कहते हैं ना विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ यू इंक्लूडिंग यू, शॉर्ट बड़ा कंसाइज सवाल जो है ना बड़ा कंसाइज हो जाता है। आप लोग तमीज इतनी लंबी बांध देते हैं कि तकलीफ हो जाती है, वो तो लगता है कि आप पढ़ा रहे थे मैं पढ़ रहा था। तो सवाल पूछे एग्जैक्ट, हाँ यस या नो, ट्रू या फॉल्स, वन और टू, इस तरह सवाल जी पूछे। माइक करीब करें। यहाँ सवाल ही कॉन्फ्लिक्ट है, सवाल के अंदर ही आपस में कॉन्फ्लिक्ट है। एक जगह आप कह रही हो ट्रांजेक्शन, जब आप ट्रांजेक्शन की बात करोगे तो इसका मतलब मोस्ट क्रिटिकल डेटा है और मोस्ट सेंसिटिव डेटा है। इवन इसमें ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व है ना, ट्रांजेक्शन का मतलब यही होता है कि मनी इन्वॉल्व है, पैसा इन्वॉल्व है। तो जहाँ पे ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व होगी, यहाँ पे इस तरह का क्रिटिकल डेटा होगा, वहाँ आप ये थोड़ी करोगे कि सुबह डेटाबेस से कनेक्शन बनाया, कनेक्शन ले लिया, आप पूरे दिन उसके ऊपर बैठ के काम कर रहे हैं और शाम में जाते हुए कमिट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि हम फिर वो डिस्कनेक्टेड आर्किटेक्चर के अंदर हम डेटा फ्रिक्वेंटली अपडेट कर रहे हैं, ठीक है, टू एंड फ्रो डेटा सेट को अपडेट कर रहे होते हैं, फ्रेश डेटा सेट लेके आ रहे होते हैं, फिर डेटा सेट को अपडेट कर रहे होते हैं, फिर फ्रेश डेटा सेट लेके आते हैं। ऑन एवरी पेज नॉट इवन ऑन एवरी बटन क्लिक यू आर बेसिकली रिफ्रेशिंग योर डेटा, ऐसे तो वहाँ ये वहाँ नहीं होता। ये पता क्या होगा कि जैसे मैं आपको डेटा एंट्री कहाँ जहाँ पे होती है, तो वहाँ ये होता है कि जी पंच कर रहे हैं डेटा, उसका कुछ फाइनेंशियल से ताल्लुक नहीं है। जैसे आप अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंसिटिव डेटा था, लेकिन नाजरा ने ये काम किया था जाफर ब्रदर्स के साथ कि वो लोगों का हायर किया था, वो बैठ के नाजरा के अंदर डेटा, वो जाफर ब्रदर में बैठ के डेटा पंच कर रहे थे, आपके पुराने शनाख्ती कार्डों का डेटा नए सिस्टम में पंच कर रहे थे। मैनुअल बहुत सारा डेटा मैनुअल था, ये बात है कोई 10-15 साल पहले। तो वो था ऐसा डेटा कि आप पंच कर जा रहे हैं, पंच कर जा रहे हैं, पंच कर जा रहे हैं, जब आपने देख लिया कि हाँ 70-80 आपने फॉर्म्स फिल कर लिए दिन के,
अब वो एक बंदा आता था सुपरवाइजर, वो क्या करता था वेरीफाई करता था सारा डाटा, हाँ भाई ये सही है ये सही है ये सही है सही है, फिर वो जब सबमिट करता था तो फिर जाके पीछे डाटा उसमें गिर जाता। तो ये एग्जाम्पल है, मैं आपको जो एग्जाम्पल बता रहा हूँ ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल है। और कोई सवाल? चले जी, थैंक यू वेरी मच। मैं जरा अब इनका वाला मसला हल करता हूँ, एक मसला और इन्होंने मुझसे सुबह बताया था। एएसपी में ऐसा क्यों नहीं होता यार? इस तरह के जो टूल है ना डिजाइनिंग के लिए, वैसे तो आप अपने मेन्यू बना सकते हैं, यहाँ पे ASP.NET के मेन्यू गिवन है, ठीक है, और इवन विंडोज एप्लीकेशन में भी और वेब एप्लीकेशन में भी, और पीछे वो एग्जांपल पे काम करते हैं, ठीक है, और वो इसी तरह की सोचते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप, और उसको आप एड नोड या माउस से भी होवर करके आप उसको ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो इतना कोई मुश्किल काम तो नहीं है, मतलब मैं समझ नहीं आया क्वेश्चन क्या था तुम्हारा। अच्छा देखो, हम जो काम कर रहे हैं विजुअल स्टूडियो में, ये मोस्टली डेवलपमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट का अभी जो लेटेस्ट जो चीज़ है वो है WPF, अगर डिजाइनिंग के हवाले से बात करो, एक्सप्रेशन स्टूडियो। और एक्सप्रेशन स्टूडियो में आप ये काम कर सकते हो कि ब्लेंड, एक सॉफ्टवेयर ब्लेंड BLEND, ठीक है, वो ब्लेंड आप यूज़ करते हुए आप डिजाइनिंग कर सकते हो और फॉर्मेटिंग कर सकते हो और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकते हो। थोड़ा सा मैं आपको टच ज़रूर दूंगा अगली क्लासेस में WPF का और एक्सप्रेशन स्टूडियो का, और एक्सप्रेशन स्टूडियो के टूल ब्लेंड का। बहुत ज़्यादा रिच ग्राफिकल डिजाइनिंग अवेलेबल नहीं है स्टूडियो में। जी सर, PHP तो यार आज तो नहीं है PHP, आज तो ASP.NET की क्लास चल रही है, PHP के सेमिनार में जाना होगा आपको, नीचे हो। मैं दिन बड़ा चाह रहा तंग करने का, लेकिन वहाँ छोड़े यार, जब भी बहुत है, मैं तो अंदर बैठा लेता उसको, मैं बोलता यहीं हो रही है बैठ मैं भी 2-4 मिनट उसको सुनाता पाते हैं। और कोई सवाल है अस्करी भाई? ठीक है जी, चल मैं आपकी वीडियो यहाँ पे कर रहा हूँ।